अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एसआई रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं लास्ट वीक आपका अच्छा गुजरा होगा। हम भी ईद की वजह से बिजी थे, आप लोग भी बिजी होंगे। तो अब भाईजान सॉन्ग आ रहे हैं आजकल, जो ट्रेलर आए थे ना पहले, तो आज देख लेते हैं गदर का सॉन्ग। ये वो देखते हैं, फिर उसके ऊपर बात करेंगे डिटेल से। मस्त लग रहा बे। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पा। ये उधर न रहा ना। ये पुराना ही सॉन्ग है ना, ये भी सुना हुआ लग रहा था। ये उसी को मेरे ख्याल तोड़ मरोड़ के बनाया। उड़ जा काले, ये बनाया मेरे ख्याल नहीं आई है, लेकिन उसी जैसे ही है। खंड पावा ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठियां बियां। ये छोटी सी जिंदगी तेरा, तलंबियां लंबियां। घर राजा परदेसी तो तेरी मेरे एक जिंदड़ी, तो घर राजा परदेसी तो तेरी मेरी एक जिंदड़ी। छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का, हो छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का। रसत पे अखियां रसता देखे बिछड़े मीतों का। सारी सारी रात जगाए मुझको तेरी यादें, मेरे सारे मेरे दिल की फरियादें। ओ घर आजा परदेसी तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी तेरी मेरी एक जिंदड़ी। कैसा सॉन्ग था भाई? सुनो। सुना। बिजा काले कामा तेरे मुंह विच खंड पावा। यार अब जो मैंने इतनी देर से ये हमने गाना सुना भाई, तेरा दिल क्यों होगा कि उदित नारायण को छोड़ दूं मैं, है ना? छोड़ ही दिया मैंने ये भाई। बस मैं सब कुछ भूल गया भाई, हम आए क्या करने थे, रिएक्शन करने। और यार तेरा सॉन्ग सुन लिया ना भाई, अब मेरे को रात को नींद नहीं आनी। इसकी जो मुझे टेंशन हो रही है इसका कैसे, एक बात बताऊं, मुझे पिल लेनी पड़ेगी स्पेशल इस चीज़ के। जितने कमेंट्स इस ओरिजिनल सॉन्ग की वीडियो पे नहीं ना आए होंगे, उतने अब लोगों की रिक्वेस्ट आएगी क्या आप ये गाना गाएं, आप ये गाना गाएं, मैं क्या करूंगा यार। मैं तो कहता हूँ ना, हम अगला जो रिएक्शन करेंगे स्पेशल एक वीडियो बनाते हैं जिसमें है ना आपके हम सॉन्ग सुनें, कैसा लगा वो? है तो ठीक है, लेकिन यार बल्कि एक स्पेशल ना लाइव हम कॉन्सर्ट करेंगे अपने इसी स्टूडियो के अंदर, ठीक है? नहीं फिर वो बॉलीवुड वाले यार आएंगे, फिर ये पाकिस्तानी भी सारे चले लग जाएंगे, सॉन्ग टाइम तो नहीं होता। चले यार वो तो ठीक है, अब थोड़ी सी इस पर भी बात करते हैं भाई। आपका गाने पर बहुत सारी बात होगी, चर्चा होगी, हालांकि ये भाई 30 सेकंड के काबिल भी नहीं था ये गाना जिस पर हम बात करें। नहीं क्योंकि टैलेंट बीच में आ ही जाता है। चलो तो यार ये सॉन्ग के बारे में बताओ आप, तो म्यूजिक के बारे में आपको बहुत ज्यादा गहरा नॉलेज है ना,
आपको तो अच्छी तरह से पता होगा इस म्यूजिक के बारे में। मैं बोर हुआ पड़ा था, ये जो पीछे सॉन्ग आ रहे थे ना, एक तो भाई किसी का भाई किसी की जान मूवी के ना दो तीन सॉन्ग तो मुझे अच्छे लगे थे उनमें, लेकिन दो तीन सॉन्ग तो ऐसे आए ना मुझे हंसी बड़ी आई। एक तो जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला, पता नहीं क्या क्या इकट्ठा किया हुआ था सॉन्ग के अंदर, सलमान खान ने पूरे जो इंडिया की इंडस्ट्री है ना वो उसके अंदर डाली थी। वो तो डाली तो थी ये इसलिए कि मूवी हिट हो, लेकिन भाई उसकी खिचड़ी बनी चली नहीं, सही चल रही है ना, नहीं चली थी मतलब वो उस लिहाज से बिजनेस नहीं किया जिस तरीके से कह रहे थे ना, वो नहीं चली, नहीं इतनी नहीं, उसने बस थोड़ा बहुत ही रेवेन्यू जनरेट किया, कुछ ज्यादा जनरेट नहीं किया उसने। और ये सॉन्ग भाई सुन के ना मजा आ गया, ये अभी उदित नारायण की ऐसे सुनिया है ना जैसे पहले वाला कोई रिकॉर्डेड सॉन्ग है, क्या जबरदस्त इसका भाई। और ये मीशा पटेल, ये तो यंग ही लग रही थी। हाँ ये फिर लग ही रहा था भाई इसकी, वो पुराने दौर की मूवी, इन लोगों ने बुढ़ा नहीं होना भाई, हम लोग ही बुढ़े हो जाएंगे, हम लोग मर खप जाएंगे, ये फिर ऐसे के ऐसे ये फिर बना रहे हैं गदर सी। फिर लोग कहते हैं कि आप लोग जलते हो इनसे, भाई जले ना तो और क्या करें यार, ऐसा भी होता है, बुढ़ा भी हो जाओ यार, किसी को और को आने दो, फिर आ गई है उठ के पता नहीं कहाँ थी। अभी देख लो अभी भाई इनकी मशहूरी चली जा रही है ना, पहले तो ये बंदे जा ही नहीं रहे, कोई नए बंदे आए उनका कोई नाम बने भाई, नए दो चार तो उठे हैं लेकिन भाई उनसे ज्यादा तो शाहरुख खान वो चल रहा है, सलमान खान वो नए उठे हैं, लेकिन ना वो इन जैसे कोई हिट नहीं दे पा रहे जैसे ये पुराने देते हैं ना, ये साल डेढ़ साल बाद आता है कोई ना कोई पुराना उठ के, वो ऐसे हिट दे जाता है फिर नए लगे होते हैं उसके चक्कर में। भाई ये सॉन्ग सुन के ना मुझे तो मजा आ गया, उदित नारायण की आवाज़ सुन के ना कुछ और ही सुरूर सा मिलता है। ये आजकल के सिंगर जो है ना इनकी भी आवाज़ अच्छी है, लेकिन ये ज़्यादा कॉपी करते हैं पिछले, तो मुझे तो बड़ा मजे का लगा ये सॉन्ग। आप बताएं आपको कैसा लगा ये सॉन्ग? तो भाई अच्छे ही होते हैं इसके, वो तो उदित नारायण के तो पहले नंबर पर रखते हो ना उसे, उदित नारायण की वॉइस के लिहाज से ना नंबर वन तो उदित नारायण है, इसको कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता मेरी नज़र में, आपकी नज़र में भाई हमें नहीं पता आप क्या सोचते हैं या आपका फेवरेट क्या है, वो आप कमेंट्स में बताएं हमें। बिल्कुल, हमें तो भाई ये सॉन्ग ना 100 out of 100 ज़बरदस्त सॉन्ग है, ज़बरदस्त इसकी कास्ट तो है ही, और लोकेशन भी बड़ी अच्छी थी, और मूवी भी हिट होने वाली है, ये बड़ा इंतज़ार है हमें इस मूवी का। तो आप लोग भी अपने राय का इजहार करें कमेंट सेक्शन में, और डिस्क्रिप्शन के अंदर होता है हमारा इंस्टाग्राम का लिंक, तो आप जो भाई की रिक्वेस्ट होती है ना जिस जिसकी भी, तो आप वहाँ इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें और वहाँ पे लिंक शेयर किया करें, वहाँ पे इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब मिला करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।